आज के वीडियो में देखते हैं लावा कर 5G जो कि इंडियन स्मार्टफोन है और रियलमी नार्जो 70 प्रो जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों का प्राइस देखिएगा तो कह सकते हैं एक ही प्राइस रेंज में ये दोनों स्मार्टफोन स्टैंड करता है। सबसे पहले डिजाइनिंग की बात करें तो डिजाइनिंग में बहुत अंतर देखने को मिल जाएगा। लावा कर 5G कर्वी डिस्प्ले के साथ आता है, दोनों के डिस्प्ले के ऊपर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। ऑब्वियसली इस प्राइस रेंज में कर्व डिस्प्ले देना बहुत ही बड़ी बात है, तो लावा कर 5G तो डिस्प्ले के मामले में बहुत ही बेस्ट निकल के आ जाता है। बैक डिजाइन देखिएगा, रियलमी नार्जो 70 प्रो का बैक डिजाइन थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। परफॉर्मेंस में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। लावा कर 5G ब्लॉटवेयर फ्री स्मार्टफोन है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा। वहीं Realme का जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखिएगा, इसमें तो बोला गया है 65% ब्लॉटवेयर को हटा दिया गया है। Realme का खुद का एप्लीकेशन भी बहुत आता है जो कि बहुत ही डिसपॉइंट करते रहता है, जैसे Realme ग्लैंस करके एप्लीकेशन आता है ये भी डिसपॉइंट करता है। ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में लावा कर 5G बेस्ट निकल के आता है, बहुत ही बेस्ट कह सकते हैं, और Realme नार्जो 70 प्रो उसके आगे कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, दोनों में चिपसेट इक्वल दिया गया है, स्टोरेज टाइप भी इक्वल दिया गया है। रैम टाइप लावा कर 5G में अच्छा दिया गया है, LPDDR5 दिया गया है। रियलमी नार्जो 70 प्रो में LPDDR4X दिया गया है जो कि डिसपॉइंटिंग है। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस को देखें तो लावा कर 5G ही बेस्ट निकल के आ जाता है। तो दोनों का कैमरा सेटअप इक्वल है, कैमरा सेटअप में कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत मेन कैमरा का जो सेंसर है उसमें अंतर देखने को मिल जाएगा। Realme Narzo 70 Pro का जो मेन कैमरा है 50 MP का OIS सपोर्टेड, उसमें देखने को मिल जाएगा Sony IMX 890 सेंसर। वहीं वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में इक्वली ही है, रियर कैमरा से 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, फ्रंट कैमरा से 1080p 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेकिन ओवरऑल मोबाइल की बात करें तो वो लावा कर 5G ही बेस्ट निकल के आ जाता है। परफॉर्मेंस के मामले में, डिस्प्ले के मामले में, ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में, सब कुछ में लावा कर 5G अभी भी बेस्ट निकल के आता है। आपका क्या कहना है जरूर लिखिए कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक you very much.